ओम शांति 31/10/2021 की अव्यक्त मुरली रिवाइज 15/11/89 सच्चे दिल पर साहेब राजी। आज विश्व की सर्वात्माओं के उपकारी बाप दादा अपने श्रेष्ठ पर उपकारी बच्चों को देख रहे हैं। वर्तमान समय अनेक आत्माएं उपकार के लिए इच्छुक हैं। स्व उपकार करने की इच्छा है लेकिन हिम्मत और शक्ति नहीं है। ऐसी निर्बल आत्माओं का उपकार करने वाले आप परोपकारी बच्चे निमित्त हो। आप परोपकारी बच्चों को आत्माओं की पुकार सुनाई देती है व स्व पुकार में ही बिजी हो। विश्व के राज्याधिकारी सिर्फ स्व उपकार नहीं बनते, विश्व के राज्य अधिकारी सिर्फ स्व उपकारी नहीं बनते, परोपकारी आत्मा ही राज्य अधिकारी बन सकती है। उपकार सच्चे दिल से होता है। ज्ञान सुनाना यह सिवाय दिल के मुख से भी हो सकता है। ज्ञान सुनाना यह विशाल दिमाग की बात है व वर्णन के अभ्यास की बात है। तो दिल और दिमाग दोनों में अंतर है। कोई भी किसी से स्नेह चाहते हैं तो वह दिल का स्नेह चाहते हैं। बाप दादा का टाइटल दिलवाला है, दिलाराम है। दिमाग दिल से स्थूल है, दिल सूक्ष्म है। बोलचाल में भी सदैव यह कहते हो कि सच्ची दिल से कहते हैं, सच्ची दिल से बाप को याद करो। यह नहीं कहते कि सच्चे दिमाग से याद करो। कहा भी जाता है सच्चे दिल पर साहेब राजी, विशाल दिमाग पर राजी नहीं कहा जाता है। विशाल दिमाग यह विशेषता जरूर है। इस विशेषता से ज्ञान की पॉइंट्स को अच्छी तरह धारण कर सकते हैं, लेकिन दिल से याद करने वाले पॉइंट अर्थात बिंदु रूप बन सकते हैं। वह पॉइंट रिपीट कर सकते हैं लेकिन पॉइंट बिंदु रूप बनने में सेकंड नंबर होंगे। कभी सहज कभी मेहनत से बिंदु रूप में स्थित हो सकेंगे, लेकिन सच्ची दिल वाले सेकेंड में बिंदु बन बिंदु स्वरूप बाप को याद कर सकते हैं। सच्ची दिल वाले सच्चे साहेब को राजी करने के कारण, बाप की विशेष दुआओं की प्राप्ति के कारण स्थूल रूप में चाहे दिमाग कईयों के अंतर में इतना विशाल ना भी हो, लेकिन सच्चाई की शक्ति से समय प्रमाण उनका दिमाग युक्ति युक्त यथार्थ कार्य स्वतः ही करेगा। क्योंकि जो यथार्थ कर्म बोल व संकल्प है वह दुआओं के कारण ड्रामा अनुसार समय प्रमाण वही टचिंग उनके दिमाग में आएगी। क्योंकि बुद्धिवानों की बुद्धि बाप को राजी किया हुआ है। जिसने भगवान को राजी किया वह स्वतः ही राजयुक्त युक्ति युक्त होता है। तो यह चेक करो कि मैं विशाल दिमाग के कारण याद और सेवा में आगे बढ़ रहा हूँ व सच्ची दिल और यथार्थ दिमाग से आगे बढ़ रहा हूँ। पहले भी सुनाया था कि दिमाग से सेवा करने वालों का तीर औरों के भी दिमाग तक लगता है, दिल वालों का तीर दिल तक लगता है। जैसे स्थापना की सेवा की आदि में देखा, पहला ग्रुप सेवा का उनकी विशेषता क्या रही? कोई भाषा व भाषण की विशेषता नहीं थी। जैसे आजकल बहुत अच्छे भाषण करते हो, कहानियां और किस्से भी बहुत अच्छे सुनाते हो, ऐसे पहले पूर्व वालों की भाषा नहीं थी। लेकिन क्या था? सच्चे दिल का आवाज था। इसलिए दिल का आवाज अनेकों को दिलाराम का बनाने में निमित्त बना। भाषा गुलाबी मिक्सचर थी लेकिन नयनों की भाषा रूहानी थी। इसलिए भाषा भल कैसी भी थी लेकिन कांटों से गुलाब तो बन ही गए। वह पहले ग्रुप के सेवा की सफलता और वर्तमान समय की वृद्धि दोनों को चेक करो तो अंतर दिखाई देता है ना। बात मेजॉरिटी की होती है। दूसरे तीसरे पूर्व ग्रुप में भी कोई कोई दिलवाले हैं लेकिन माइनॉरिटी हैं। आदि की पहेली अब तक चल रही है। कौन सी पहेली? मैं कौन? अभी भी बाप दादा कहते अपने आप से पूछो मैं कौन। पहेली हल करना आता है ना, वह दूसरा बतावे तब हल कर सकते हो। दूसरा बताएगा तो भी उसकी बात को चलाने की कोशिश करेंगे कि ऐसे नहीं है वैसी है, इसलिए अपने आप को ही देखो। कई बच्चे अपने आप को चेक करते हैं लेकिन देखने की नज़र दो प्रकार की है। उसमें भी कोई सिर्फ विशाल दिमाग की नज़र से चेक करते हैं
उनका अलबेलापन का चश्मा होता है। हर बात में यही दिखाई देगा कि जितना भी किया, त्याग किया, सेवा की, परिवर्तन किया, इतना ही बहुत है। इन आत्माओं से मैं बहुत अच्छी हूँ, इतना करना भी कोई सहज नहीं है। थोड़ी बहुत कमी तो नामी ग्रामियों में भी है, इस हिसाब से मैं ठीक हूँ। यह है अलबेलाई का चश्मा। दूसरा है स्व उन्नति का यथार्थ चश्मा, वह है सच्ची दिल वालों का। वह क्या देखते हैं? जो दिल वाला बाप को सदा पसंद है वही संकल्प, बोल और कर्म करना। यथार्थ चश्मे वाले सिर्फ बाप और आपको देखते हैं, दूसरा व तीसरा क्या करता वह नहीं देखते। मुझे ही बदलना है, इसी धुन में सदा रहते हैं। ऐसे नहीं दूसरा भी बदले तो मैं बदलूं, या 80% मैं बदलूं 20% तो वह बदले, इतने तक भी वह नहीं देखेंगे। मुझे बदल करके औरों को सहज करने के लिए एग्जाम्पल बनना है, इसलिए कहावत है जो ओटे सो अर्जुन। अर्जुन अर्थात अलौकिक जन, इसको कहा जाता है यथार्थ चश्मा व यथार्थ दृष्टि। वैसे भी दुनिया में मानव जीवन के लिए मुख्य दो बातें हैं, दिल और दिमाग, दोनों ठीक होने चाहिए। ऐसे ब्राह्मण जीवन में भी विशाल दिमाग भी चाहिए और सच्ची दिल भी चाहिए। सच्ची दिल वालों को दिमाग की लिफ्ट मिल जाती है, इसलिए सदा यह चेक करो कि सच्ची दिल से साहेब को राजी किया है, सिर्फ अपने मन को या सिर्फ कुछ आत्माओं को तो राजी नहीं किया। सच्चे साहेब का राजी होना इनकी बहुत निशानियां हैं, इस पर मनन कर रूह रिहान करना, फिर बाप दादा भी सुनाएंगे। अच्छा, आज टीचर्स बैठी हैं, टीचर्स भी ठेकेदार हैं, कॉन्ट्रैक्ट ठेका लिया है ना, स्वपरिवर्तन से विश्व परिवर्तन करना ही है। ऐसा बड़े से बड़ा कॉन्ट्रैक्ट लिया है ना, जैसे दुनिया वाले कहते हैं आप मरे मर गई दुनिया, आप नहीं मरे तो दुनिया भी नहीं मरी। ऐसे ही स्वपरिवर्तन ही विश्व परिवर्तन है। बिना स्वपरिवर्तन के कोई भी आत्मा प्रति कितनी भी मेहनत करो परिवर्तन नहीं हो सकता। आजकल के समय में सिर्फ सुनने से नहीं बदलते, लेकिन देखने से बदलते हैं। मधुबन भूमि में कैसी भी आत्मा क्यों बदल जाती है? सुनाते तो सेंटर पर भी हो, लेकिन यहाँ आने से स्वयं देखते हैं, स्वयं देखने के कारण बदल जाते हैं। कई बंधन वाली माताओं के भी युगल उन्हों के जीवन में परिवर्तन को देखकर बदल जाते हैं। ज्ञान सुनाने की कोशिश करेंगे तो नहीं सुनेंगे, लेकिन देखने से वह प्रभाव उन्हों को भी परिवर्तन कर देता है। इसलिए कहा आज की दुनिया देखना चाहती है तो टीचर्स का यही विशेष कर्तव्य है, करके दिखाना अर्थात बदल करके दिखाना। समझा? सदा सर्व आत्माओं प्रति पर उपकारी, सदा सच्चे दिल से सच्चे साहिब को राजी करने वाले, विशाल दिमाग और सच्ची दिल का बैलेंस रखने वाले, सदा स्वयं को विश्व परिवर्तन के निमित्त बनाने वाले, स्व परिवर्तन करने वाली श्रेष्ठ आत्मा, श्रेष्ठ सेवाधारी आत्मा समझ आगे बढ़ने वाले, ऐसे चारों ओर के विशेष बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। दिल्ली ग्रुप से प्राण अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। सभी के दिल में बाप का स्नेह समाया हुआ है, स्नेह ने यहाँ तक लाया है, दिल का स्नेह दिलाराम तक लाया है। दिल में सिवाय बाप के और कुछ रह नहीं सकता। जब बाप ही संसार है तो बाप का दिल में रहना अर्थात बाप में संसार समाया हुआ है, इसलिए एक मत एक बल एक भरोसा। जहाँ एक है वहाँ ही हर कार्य में सफलता है। कोई भी परिस्थिति को पार करना सहज लगता है या मुश्किल? अगर दूसरे को देखा, दूसरे को याद किया तो दो में एक भी नहीं मिलेगा, इसलिए मुश्किल हो जाएगा। बाप की आज्ञा है मुझे एक को याद करो। अगर आज्ञा पालन करते हैं तो आज्ञाकारी बच्चे को बाप की दुआएं मिलती हैं और सब सहज हो जाता है। अगर बाप की आज्ञा को पालन नहीं किया तो बाप की मदद व दुआएं नहीं मिलती,
इसलिए मुश्किल हो जाता है। तो सदा आज्ञाकारी हो ना। लौकिक संबंध में भी आज्ञाकारी बच्चे पर कितना स्नेह होता है, वह है अल्पकाल का स्नेह और यह है अविनाशी स्नेह। यह एक जन्म की दुआएं अनेक जन्म साथ रहेंगी, तो अविनाशी दुआओं के पात्र बन गए हो। अपनी यह जीवन मीठी लगती है ना, कितनी श्रेष्ठ और कितनी प्यारी जीवन है। ब्राह्मण जीवन है तो प्यारी है, ब्राह्मण जीवन नहीं तो प्यारी नहीं लगेगी, लेकिन परेशानी की जीवन लगेगी। तो प्यारी जीवन है या थक जाते हो, सोचते हो संगम कब तक चलेगा, शरीर नहीं चलते, सेवा नहीं कर सकते, इससे परेशान तो नहीं होते। यह संगम की जीवन सर्व जन्मों से श्रेष्ठ है। प्राप्ति की जीवन यह है, फिर तो प्रारब्ध भोगने की जीवन है, कम होने की जीवन है, अभी भरने की है। 16 कला संपन्न अभी बनते हैं। 16 कला अर्थात फुल, यह जीवन अति प्यारी है। ऐसे अनुभव होता है ना, या कभी जीवन से तंग होते हो? तंग होकर यह तो नहीं सोचते कि अभी तो चलें। बाप अगर सेवा के प्रति ले जाते हैं तो और बात है, लेकिन तंग होकर नहीं जाना। एडवांस पार्टी में सेवा का पार्ट है, और ड्रामा अनुसार गए तो परेशान होकर नहीं जाएंगे, शान से जाएंगे। सेवा अर्थ जा रहे हैं, तो कभी भी बच्चों से व अपने आप से तंग नहीं होना। माताएं कभी बच्चों से तंग तो नहीं होती हो। जब हैं ही तमोगुणी तत्व से पैदा हुए तो वह क्या सतो प्रधानता दिखाएंगे, वह भी परवश हैं। आप भी बाप की आज्ञाएं कभी कभी भूल तो जाते हो ना, तो जब आप भूल कर सकते हो तो बच्चों ने भूल की तो क्या हुआ। जब नाम ही बच्चे कहते हैं तो बच्चे माना ही क्या, चाहे बड़े हों, लेकिन उस समय वह भी बच्चे बन जाते हैं, अर्थात बेसमझ बन जाते हैं। इसलिए कभी भी दूसरों की परेशानी देख खुद परेशान नहीं होना। वह कितना भी परेशान करे, आप शान से क्यों उतरते हो? कमजोरी आपकी या बच्चों की, वह तो बहादुर हो गए जो आपको शान से उतार देते हैं और परेशान कर देते हैं। तो कभी भी स्वप्न में भी परेशान नहीं होना, अर्थात श्रेष्ठ शान से परे नहीं होना। अपने शान की कुर्सी पर बैठना नहीं आता है तो आज से परेशान नहीं होना, चाहे बीमारी से, चाहे बच्चे से, चाहे अपने संस्कारों से या औरों से। औरों से भी परेशान हो जाते हैं ना, कई कहते हैं और सब ठीक है, एक ही यह ऐसा है जिससे परेशान हो जाते हैं। तो परेशान करने वाले बहादुर नहीं बने, आप बहादुर बनो। चाहे एक हो चाहे दस हो, लेकिन मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, कमजोर नहीं। तो यही वरदान सदा स्मृति में रखना कि हम सदा अपने श्रेष्ठ शान में रहने वाले हैं, परेशान होने वाले नहीं, औरों की भी परेशानी मिटाने वाले हैं, सदा शान के तख्त नशीन हैं। देखो आजकल तो कुर्सी है, आपको तो तख्त है, वह कुर्सी के पीछे मरते हैं, आपको तो तख्त मिलता है। तो अकाल तख्त नशीन श्रेष्ठ शान में रहने वाले बाप के दिल तख्त नशीन आत्मा है, इसी शान में रहना है। तो सदा खुश रहना और खुशी बांटना। अच्छा, दिल्ली फाउंडेशन है सेवा का। फाउंडेशन कच्चा हुआ तो सभी कच्चे हो जाते हैं, इसलिए सदा पक्के रहना। अच्छा, वारंगल ग्रुप, अपने को सदा डबल लाइट अनुभव करते हो? जो डबल लाइट है उस आत्मा में माइट अर्थात बाप की शक्तियां साथ हैं। तो डबल लाइट भी हो और माइट भी हो, समय पर शक्तियों को यूज कर सकते हो, या समय निकल जाता है, पीछे याद आता है, क्योंकि अपने पास कितनी भी चीज है अगर समय पर यूज नहीं किया तो क्या कहेंगे। जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता हो उस शक्ति को उस समय यूज कर सके, इसी बात का अभ्यास आवश्यक है। कई बच्चे कहते हैं कि माया आ गई, क्यों आई? परखने की शक्ति यूज नहीं की तब तो आ गई ना। अगर दूर से ही परख लो कि माया आ रही है तो दूर से ही भगा देंगे ना। माया आ गई, आने का चांस दे दिया तब तो आई, दूर से भगा देते तो आती नहीं। बार बार अगर माया आती है और फिर युद्ध करके उसको भगाते हो तो युद्ध के संस्कार आ जाएंगे।
अगर बहुत काल युद्ध के संस्कार होंगे तो चंद्रवंशी बनना पड़ेगा। सूर्यवंशी अर्थात बहुत काल के विजयी और चंद्रवंशी माना युद्ध करते करते कभी विजयी कभी युद्ध में मेहनत करने वाले, तो सभी सूर्यवंशी हो ना। चंद्रमा को भी रोशनी देने वाला सूर्य है तो नंबर वन सूर्य कहेंगे ना। चंद्रवंशी दो कला कम है, 16 कला अर्थात फुल पास। कभी भी मनसा में वाणी में या संबंध संपर्क में संस्कारों में फेल होने वाले नहीं, इसको कहते हैं सूर्यवंशी। ऐसे सूर्यवंशी हो अच्छा, सभी अपने पुरुषार्थ से संतुष्ट हो, सभी सब्जेक्ट में फुल पास होना इसको कहते हैं अपने पुरुषार्थ से संतुष्ट। इस विधि से अपने को चेक करो। यही याद रखना कि मैं उड़ती कला में जाने वाला उड़ता पंछी हूँ, नीचे फंसने वाला नहीं, यही वरदान है। अच्छा, वरदान सदा अतींद्रिय सुख की अनुभूति करने वाले अटल अखंड स्वराज्य अधिकारी भव। जो बच्चे संगम युग पर अतींद्रिय सुख का वर्षा सदा काल के लिए प्राप्त कर लेते हैं, अर्थात जिनका बाप के विल पर पूरा अधिकार होता है, वे विल पावर वाले होते हैं। उन्हें अटूट अटल अतींद्रिय सुख की अनुभूति होती है। ऐसे वारिस अर्थात संपूर्ण वर्षे के अधिकारी ही भविष्य में अटल अखंड स्वराज्य का अधिकार प्राप्त करते हैं। स्लोगन, जहां मेरापन आता है वहां बुद्धि का फेरा हो जाता है। ओम शांति। आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा, आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा, सुख सागर में गहरे उतर जाऊं, सुख सागर उतर जाऊं, पल के ना पल भर बंद मेरी हूँ, पल के ना पल भर बंद मेरी, इन लहरों को दामन में भर जाऊं, इन लहरों को दामन में भर जाऊं, आप दृष्टि यूं ही।